हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज अपने साथ है होंडा की CB300R। ये है 2022 का मॉडल, BS6 इंजन है एंड इसको एक डेढ़ महीने पहले लॉन्च किया गया था। 2022 मॉडल के लिए कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं जो हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाइक को चारों तरफ से देख लेते हैं, उसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके अंदर आपको मिलता है, उसके बाद में हम ये बाइक को राइड पर लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको मैं चाबी इसकी दिखा देता हूँ। तो चाबी कुछ ऐसी दिखती है, होंडा यहाँ पे नाम लिखा गया है, ऊपर एक सिंबल दिया गया है होंडा का एंड ये साइड में भी होंडा लिखा गया है। दो चाबी आपको मिलती है कंपनी की तरफ से, एक आप अपने साथ रख सकते हैं, दूसरी आप घर पे रख सकते हैं। दो कलर आते हैं इसके अंदर, रेड एंड ब्लैक। जिसको थोड़ा ज्यादा बीस्ट लुकिंग बाइक चाहिए तो ब्लैक वाला ले सकता है, जिसको ज्यादा थोड़ी अट्रैक्टिव बाइक चाहिए वो रेड कलर ले सकता है। इसका ऑन रोड प्राइस हैदराबाद का पड़ेगा आपको ऑलमोस्ट 3.2 लाख रुपीज। चारों तरफ से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि बाइक दिखती कैसी है। मैंने बाइक को थोड़ा बहुत चलाया है एंड अभी हम चलाने के टाइम पे आपसे और बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो सामने की तरफ आपको फुल LED लाइट मिलती है, ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे तो ये वाली जो लाइट है यहाँ, ये DRLs है, ये ऑन हो जाएंगे एंड नीचे आप देख सकते हैं ये वाली लाइट, ये ऑन हो जाएगी। और आप जैसे ही इंजन को स्टार्ट करोगे लो बीम एंड हाई बीम आप यूज कर पाओगे। एंड यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो पहले ये स्मोक्ड लाइट यहाँ पे नहीं थी, तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक कलर इसको दिया गया है। LED आपको इंडिकेटर मिलते हैं, इंडिकेटर भी आपको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। पीछे भी आप देख सकते हैं इंडिकेटर कुछ ऐसे दिखते हैं। फिट एंड फिनिश बाइक का नेक्स्ट लेवल है, आपको कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि कोई पार्ट को फिट करने में होंडा ने कंजूसी की है, तो वो सब आपको फील बिल्कुल भी नहीं आएगा। सस्पेंशन जो है वो 41mm अपसाइड डाउन फोक्स है एंड चलने के टाइम पे सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे कि फील एंड फीडबैक कैसा है, कंट्रोल कैसा है, कैसा ये बाइक हैंडल कर पाती है। सामने का टायर है हमारे का 110x70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है। जो एलो व्हील्स है वो ब्लैक्ड आउट दिया गया है। ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है। सामने का जो डिस्क प्लेट है उसका साइज 296mm है एंड ये जो ABS है दिस कम्स विथ IMU का काम ये रहता है कि भाई जो ABS का जो पावर है और ABS की जो ब्रेकिंग है उसको एकदम से प्रिसाइसली ये दोनों ही टायर में ट्रांसफर करता है एंड उससे क्या है आपको थोड़ी प्रिसाइस ब्रेकिंग मिलती है। आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी कम होती है। मिशन का आपको ब्रेक के लिए पर यहां पे दिया गया है, ABS यहां पे लिखा गया है। ये साइड में अगर आप आएंगे तो ये 286cc का इंजन है। पावर आउटपुट है 31 PS का एंड टॉर्क आउटपुट है ऑलमोस्ट 27.5 Nm का। लिक्विड कूल इंजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडिएटर यहाँ पे दिया गया है। जब भी आप बाइक खरीदो इसके ऊपर आप एक कवर लगा लीजिए, रेडिएटर गार्ड लगा लीजिए ताकि पत्थर वत्थर ना लगे रेडिएटर को। 9.7 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है। अरे भाई भाई भाई, भाई, भाई। 9.7 लीटर का पेट्रोल टैंक है। यहाँ पे एक अलग से ब्लैक कलर का पट्टी यहाँ पे दिया गया है। ये स्टेप अप सीट है, जो राइडर की सीट है वो थोड़ी सी नीचे है, पिलियन की है सीट वो थोड़ी सी ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा आपको ग्रैब रेल दिया गया है। पीछे जो लाइट है यहाँ पे होंडा का नाम लिखा गया है। टेल लाइट आपको LED मिलती है, LED आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। एग्जॉस्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं कंपनी ने, एग्जॉस्ट का साइड छोटा किया गया है, CB यहाँ पे लिखा गया है एंड चलने के टाइम पे आपको इसकी आवाज़ में सुनूंगा। आपको मैं एक बार आवाज़ सुना देता हूँ। सो ऐसी कुछ आवाज़ आती है, बहुत गारंटी साउंड है। फुटपैक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पीछे से अगर आप देखोगे तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। एक बार इसकी टेल लाइट पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखने में कैसी ये दिखती है। तो देखने में ऐसी कुछ दिखती है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, रिफ्लेक्टर दिया गया है, नीचे आपको एक लाइट दी गई है ताकि आपकी नंबर प्लेट है नाइट के टाइम पे विजिबल रहे। पीछे का टायर भी आपको MRF का रेव टायर दिया गया है। ये रेडियल टायर है, 150x60 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको दिया गया है। पीछे आपको 220mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। ड्यूल चैनल ABS आपको इसके अंदर मिलता है। ये आप आएंगे तो यहाँ पे साड़ी गार्ड दिया गया है, ऑब्वियसली ये तो मैंडेटरी है RTO रूल्स के हिसाब से। इंडिया में 6-स्पीड गियरबॉक्स है। अभी कंपनी ने स्लीपर एंड असिस्ट क्लच इसके अंदर दे दिया है, तो वो चलने के टाइम पे बात करेंगे कि इसका जो गियर शिफ्ट है वो कैसा है, स्मूथ है, हार्ड है, वो सब हम बात करेंगे। 146 किलो की ये बाइक है। 158mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। मेरे अंदर ही घुसा दे भाई। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है, ओपन चेन है। चेन का मेंटेनेंस आप कंपनी के मैनुअल के हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको मैं इसका सिस्टम कंट्रोल यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने इतनी प्रीमियम बाइक दी है ये इंजन CC सेगमेंट में, तो ये सिस्टम कंट्रोल आप थोड़ा और भी अच्छा दे सकते थे। ये एकदम से बेसिक है, एकदम से बेसिक। आप अभी शायद इसको देख पा रहे हो या फिर नहीं देख पा रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे जब इसको एडिट करूंगा वीडियो को तभी पता चलेगा। बट आपको जो इसके अंदर दिया गया है वो अभी बता देता हूँ। ऊपर आपको यहाँ पे क्लॉक मिलती है, यहाँ पे RPM लेफ्ट साइड में कितना इसमें पेट्रोल है वो दिखाता है, बीच में आपको स्पीड दिखाई देती है, राइट हैंड साइड में गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको दिखता है, साइड स्टैंड की वार्निंग दी गई है। अगर आपका बाइक का साइड स्टैंड नीचे है तो ये गाड़ी आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज आपको स्पीड मिल जाती है एंड
माइलेज जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। सो ये बहुत बहुत बेसिक सा दिया है। मुझे लगता है कि होंडा को इस टाइम तो 2022 का जो मॉडल लॉन्च किया है इसमें तो कुछ कलर यू नो स्क्रीन दे सकते थे इसके अंदर, बट अगेन जितने भी ऑप्शन आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए और डेली लाइफ में यूज़ करने के टाइम पर चाहिए वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लच लीवर की क्वालिटी, ब्रेक लीवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि कंपनी ने कंजूसी की है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच मिलता है, हॉर्न का स्विच यहाँ पर दिया गया है, वही एक्टिवा वाला हॉर्न मेरे को दिखता है इसके अंदर, उतना लाउड नहीं है। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम एंड पास का स्विच दिया गया है। मिरर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिस काम के लिए मिरर्स को दिया जाता है वो अपना काम बखूबी से करते हैं। एंड हैंडल बार थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हुआ है, ये साइड में आपको किल स्विच दिया गया है, इसके अंदर आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। अब बहुत हो गई बातें, इसको हम चलाने के टाइम पे आपसे बात करेंगे। सीट हाइट इसकी 801 mm है, अगर आपकी हाइट 5.5-5.6 है तो आप ये बाइक को आराम से चला सकते हो। मेरे दोनों पैर नीचे टिक रहे हैं, मेरी हाइट है 5.8 feet, तो अगर आपकी 5.5-5.6 है तो आप इसको आराम से चला सकते हैं। बैठते ही आपको जो हल्कापन ये बाइक का है वो फील हो जाता है, बहुत हल्की फील कराती है, मतलब पॉकेट रॉकेट जो बोलते हैं ना वो ये बाइक है। तो अभी इसको थोड़ा खींचते हैं, वाह ओ भाई, थर्ड गियर में मैं फुल आरपीएम इसका लेके गया हूं, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक इंजन के ऊपर बैठे हो, इंजन बिल्कुल फील नहीं होता है। दिस इज वेरी स्मूथ वेरी रिफाइंड इंजन, मतलब ये इंजन सीसी सेगमेंट में और ये सेगमेंट में स्ट्रीट नेकर बाइक्स में इतना स्मूथ इंजन मैंने कोई भी बाइक का नहीं देखा है, स्पेशली इंडिया में जितनी भी बाइक्स पहले रही है या फिर अभी मार्केट में है। अभी मेरे हिसाब से ड्यूक 390 के साथ इसका कंपैरिजन मैं कर सकता हूं, वो एक ज़्यादा फास्ट बाइक है, ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, लेकिन रिफाइनमेंट में मुझे लगता है कि इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, होंडा इज होंडा। एंड जो गियर शिफ्ट है बहुत स्मूथ है, बटर स्मूथ। अभी मैं आप देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ, अभी मैं थर्ड गियर में शिफ्ट करूँगा, क्लचलेस में शिफ्टिंग करूँगा, नॉर्मली आपको वो नहीं करनी है, बट अगर आपको अच्छा आता है करना तो कर सकते हैं। क्लच अगर आप देखोगे पुल तो ये काफ़ी स्मूथ पुल है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच इसके अंदर आपको दिया जाता है। असिस्ट क्लच होने की वजह से आपको क्या है, बार बार अगर आप गियर शिफ्ट करोगे ट्रैफिक में तो आपको उंगलियों में दर्द नहीं होगा। वैसे भी आपको बताऊँ कि मैं फिफ्थ गियर में इस पे 30 की स्पीड पे चल सकता हूँ विदाउट एनी नॉकिंग। अभी मैं ओवर स्पीड कम करता हूँ, आप देखिए कोई नॉकिंग नहीं अभी तक, फिफ्थ गियर में मैं चल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंजन कितना रिफाइंड है, नो नॉकिंग एट ऑल। मैं इससे भी कम स्पीड पे इसको लेके जा सकता हूँ, लेट मी ट्राई टू गेट इट डाउन टू 30-32, नीचे आ जा भाई 30। अब देखो कोई नॉकिंग साउंड नहीं है, इवन 29। नॉर्मली आपको लोअर स्पीड्स पे हायर गियर में नहीं चलना चाहिए, जैसे स्पेशली जैसे मैं पांचवें गियर में 30 की स्पीड पे चला रहा हूँ तो ऐसा नहीं चलाना है, इससे क्लच प्लेट पे असर पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, आपको इंडिकेटर का जो स्विच है वो ऊपर मिलता है एंड जो हॉर्न का स्विच है वो नीचे मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, होंडा का मार्केट में अलग ही चलता रहता है, बट यू विल गेट यूज टू इट विद इन ए डे और टू। सीटिंग पोस्चर एकदम से अपराइट है, स्पेशली जो लोगों को होंडा की एक बाइक चाहिए टूरिंग के लिए तो भाई ये बाइक परफेक्ट आपके लिए, बस आप एक विंडशील्ड का जुगाड़ कर लो, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ये बाइक से दिक्कत आने वाली है। आपको लॉन्ग राइड अगर आपको करना है, माइलेज आपको ज़बरदस्त मिल जाएगा। अभी बाइक दिखा रही थी ऑलमोस्ट 29 km/L का माइलेज, मैं कह रहा हूँ अगर आप हाईवे पे इसको 100 या 110 की स्पीड तक चलाते हैं तो आपको आराम से 30+ माइलेज, इवन यू कैन गेट 35 km/L का माइलेज ऑन हाईवेज, एंड इट इज़ अल्ट्रा रिफाइंड, आपको बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा। इवन जो इसका टॉर्क है लोअर आरपीएम पे बहुत बहुत अच्छा है। आपको एक बार मैं फिर से थोड़ा भगा के दिखाता हूँ, हालांकि हम ज़्यादा स्पीड यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज कहीं से कोई भी आ सकता है, जैसे ये बाइक वाले आ गए थे। अभी आप देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ, कितना जल्दी स्पीड पकड़ लेती है, वाह। एंड हाई स्पीड्स पे इट्स वेरी स्टेबल, एंड स्पेशली जो इसका सस्पेंशन ट्यूनअप किया गया है, सस्पेंशन को ट्यून किया गया है, वो मुझे लगता है कि सिटी एंड हाईवे राइड्स को ध्यान में रख के किया गया है। अब ये थोड़ा सा देखो पैच आपको खराब आएगा रोड का यहाँ पे, और मेरी आवाज़ में आपको अगर थोड़ा बहुत भी चेंज लग रहा है इसका मतलब गाड़ी उछल रही है, लेकिन मेरी आवाज़ में आपको कुछ भी चेंज नहीं यहाँ पे नहीं दिखेगा। थोड़ा सा मैं बैड रोड के ऊपर से ले जाने की कोशिश करता हूँ, आपको बिल्कुल मेरी आवाज़ में कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सस्पेंशन का जो फील एंड फीडबैक है बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हार्ड सस्पेंशन चाहिए जब आप हाई स्पीड करते हो, तो मुझे लगता है कि कंपनी ने इसको उसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर आप सिटी में चलाते हो, स्पेशली
60-70 की स्पीड पे तो भी आपको ये सस्पेंशन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप हाई स्पीड करते हो जैसे 100 या 110 हाईवेज पे, वो टाइम पे भी बाइक स्टेबल रहनी चाहिए। स्टेबिलिटी के मामले में मुझे लगता नहीं कोई आपको इश्यू इसमें आएगा। टॉप स्पीड आप आराम से मार सकते हो अराउंड 150 या 155 तक। मैंने इसको टॉप स्पीड पे कभी भगाया नहीं है, बट आई हैव सीन फ्यू यूट्यूब वीडियोस। बट अगर आपको एक इजी क्रूजिंग स्पीड मिल जाती है 110-120, तो मुझे लगता है कि दिस कैन बी सूटेबल फॉर लॉन्ग राइड्स ऑल्सो। हैंडलिंग के मामले में अगर बात करूँ तो ये इतनी लाइट वेट व्हीकल है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक 300cc की बाइक चला रहे हैं। 146 किलो का वेट आपको ना तो अगर आप नॉर्मल इसको पुश करते हैं वो टाइम पे दिखता है, ना ही आपको जैसे एकदम से भयंकर ट्रैफिक है, भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आपको लेफ्ट और राइट इसको लेके जाना है, थोड़ी सी जगह दिख गई वहां से आपको इसको घुसाना है तो आराम से घुसा सकते हैं इसको, इतनी निम्बल है। थोड़ा आगे जाके अराउंड 50 की स्पीड पे आपको मैं ब्रेक लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे खाली रोड दिख रही है, तो मैं एक बार 50 की स्पीड पे ले जाके इसको रोकता हूँ। मैं पीछे कोई नहीं आ रहा है, हम हैं अराउंड 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब यहाँ पे मैं ब्रेक लगा के दिखाता हूँ आपको। वाह, कई कई बाइक्स में क्या होता है जब आप ब्रेक लगाते हो सडनली, जैसे 70-80 की स्पीड पे चला रहे हो, सामने कोई आ गया सडनली, आप ब्रेक लगाओ तो आपकी गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है यार मैं तो अभी गिरने वाला था। तो आपको वो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए ब्रेक लगाने के टाइम पे। मुझे लगता है कि ये बाइक से आपको कॉन्फिडेंस आता है। एंड अगेन डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा ही हाई स्पीड पे चलाते हो सडन ब्रेक मारते हो तो भाई देखो हर एक फीचर, चाहे वो बाइक पे देख लो चाहे कार पे देख लो, स्पेशली ABS, इसकी भी कोई लिमिटेशन होती है भाई। ऐसा नहीं कि आपके पास ABS है तो आप 150 की स्पीड मारोगे सामने कोई आ जाएगा तो पूरा आप ब्रेक दबा दोगे, ऐसा करने से आप गिर ही जाओगे, तो आप वैसा मत कीजिए। ABS की भी लिमिटेशन है, हर चीज की लिमिटेशन होती है। सीट कंफर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि सीट थोड़ी सी हार्ड है सिटी राइड्स के लिए, थोड़ी सी हार्ड मुझे लगती है। बट अगर आप टूरिंग वगैरह करते हो, वेन आई से टूरिंग, अगर आप 100-150 किलोमीटर अगर कभी जाना चाहते हो तो वो टाइम पे ये सीट आपको अच्छी फील दे सकती है। बिकॉज जितना ज्यादा सॉफ्ट सीट रहेगी लॉन्ग राइड में उतना ही ज्यादा आपको दिक्कत होगा, यू नो बैक आपका एकदम से हर्ट करने लग जाता है, एकदम से चुभने लग जाता है। तो सिटी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी हार्ड ये सीट फील कराती है। बट अगेन अगर आप 30-40 किलोमीटर सिटी में चलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट प्लस पॉइंट तो ये है कि भाई आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे ना 150-200 किलोमीटर, कभी आप मॉर्निंग में निकल गए दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट राइड करने के लिए, वो टाइम पे आप इसका जो कंफर्ट देखोगे ना तो तभी आपको मजा आएगा। LED लाइट दी गई हैं तो मुझे लगता है कि नाइट के टाइम पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। वैसे मैंने नाइट में इसको यूज़ नहीं किया है तो मैं उतना कमेंट उस पर कर नहीं सकता, बट LED लाइट दी है तो मुझे लगता है कि कंपनी ने कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो नाइट के टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी चलाने में। आप देखो यहाँ पे कितना ईजिली मैं चला पा रहा हूँ। एंड अभी तक मुझे इंजन से कोई गर्मी फील नहीं हुई है, अभी तक हीट ऐसा कुछ इंजन हुआ है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। एक बार आपको इसकी साउंड सुनाऊं मैं, आई एम नॉट श्योर मेरा कैमरा कितना इसको रिकॉर्ड कर पाएगा साउंड को, बट मैं गियर डाउन करता हूं आपको साउंड सुनाता हूं इसका। एंड मैं सेकंड गियर में चल रहा हूं तो आपको साउंड ज़्यादा आएगी, बट बाइक उतना ज़्यादा भगा नहीं रहा हूं। पहले वाली जो CB 300R थी उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एग्जॉस्ट का साउंड है ना काफ़ी गारंटी हो चुका है। एंड भाई क्या ये पुल करती है, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक यू नो छोटी सी बाइक दिखती है लेकिन ये दिखती छोटी है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है, पॉकेट रॉकेट बोलते हैं ना, वो ये बाइक है। इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल क्या होती है सिटी के अंदर कि भाई माइलेज अच्छा मिलना चाहिए। एंड मैं कोई भी गाड़ी को या फिर दूसरे व्हीकल्स को जल्दी से ओवरटेक करने की ताकत गाड़ी के अंदर रहनी चाहिए, तो ये गाड़ी का जो लो एंड पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, आप एक बार सिस्टम कंट्रोल की तरफ नज़र रखिए कितना जल्दी ये पुल कर लेती है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजन आई हैव सीन। एक 300cc की बाइक में सिंगल सिलेंडर इंजन है ये, दिस इज नॉट इवन ट्विन सिलेंडर, दिस इज अ सिंगल सिलेंडर इंजन, दिस इज वेरी रिफाइंड। एंड भाई प्राइस जो है ना 3,20,000 आपको ऑन रोड पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक 10-15,000 रुपये अगर कम कर देता होंडा तो बात कुछ और होती थी। बट अगेन जो अच्छी चीज़ होती है वो महंगी होती है थोड़ी बहुत। जिसको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, सिटी में राइड करना है, हाईवे राइड करना है, ज़्यादा माइलेज चाहिए, रिफाइंड इंजन चाहिए, हैंडलिंग अच्छी चाहिए, ब्रेक अच्छे चाहिए एंड सर्विस कॉस्ट कम चाहिए, ऐसी बाइक आपको चाहिए और आपका बजट 3-3.25 लाख है, 3-3.25 लाख तक है, तो आप ये बाइक को आँख बंद करके ले सकते हैं। आप होंडा का इंजन लेके जा रहे हो, मेंटेनेंस भी कम रहेगा, आपको ज़िंदगी भर ये इंजन चलता रहेगा। और फिर से आप एक बार इसको देख लो कैसे भागती है ये।
एक नंबर भाई, एक नंबर गाड़ी, एक नंबर गाड़ी। एक बार फिर भगाते यहाँ पे। वाह, जस्ट वाह। सो अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, एंड उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको बाइक कैसी लगी, स्पेशली आपको बाइक का साउंड कैसा लगा। अगर मेरे कैमरे ने अच्छे से साउंड रिकॉर्ड की है तो आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको साउंड कैसा लगा बाइक का। फिर से आपको बता दूँ, 146 किलो की बाइक है, 3.2 लाख ऑन रोड आपको प्राइस इसका पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट और आपसे है कि आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। एक बार फिर से आपको आवाज़ सुना दूँ। वाह।